आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मलेशिया एक्सचेंज में सोमवार को हाल ही के दिनों की सबसे बड़ी लगभग 8.5% की गिरावट आने से खाद्य तेलों के भाव औंधे मुंह लुढ़के हैं। इसकी वजह से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोमवार को आयातित और देशी तेल तिलहनों के भाव में जोरदार गिरावट देखने को मिली। बाजार सूत्रों ने बताया कि संभवतः इंडोनेशिया में खाद्य तेलों का भारी मात्रा में स्टॉक जमा होने और मांग कमजोर होने के कारण मलेशिया में खाद्य तेलों के भाव लुढ़के हैं। शिकागो एक्सचेंज सोमवार को बंद था, लेकिन मलेशिया में सीपीओ और पामोलिन तेल के भाव टूटने से सोयाबीन तेल भी इस गिरावट की चपेट में आ गया। इसका असर देशी तेल तिलहनों पर भी हुआ और देशी तेल तिलहनों में भी गिरावट आई। सूत्रों का कहना है कि विदेशों में खाद्य तेलों के भाव पिछले कुछ समय में लगभग 30% टूटे हैं। पिछले 7-8 महीनों में आयात शुल्क में लगभग 38.25% की कमी की गई है, लेकिन तमाम अपील और प्रयासों के बाद खाद्य तेलों के भाव में लगभग 15 रुपए लीटर तक की कमी की गई है, यानी खाद्य तेल की कीमतें 7-8% तक कम हुई हैं। अगर थोक कीमतों में आई कमी के बाद भी खुदरा कीमतों में उसी अनुपात में कमी नहीं आती है तो ये चिंता का विषय हो सकता है, जो हमारे तेल तिलहन उत्पादन में स्वावलंबी होने का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकेगा। सूत्रों का कहना है कि खुदरा बिक्री करने वाले दुकानदार अधिकतम खुदरा मूल्य MRP की आड़ में इन तेलों को ऊंचे भाव पर बेचते हैं। यही कारण है कि सरसों के थोक भाव में गिरावट होने के बावजूद ग्राहकों को अभी भी यह तेल 190 से 195 रुपए लीटर के भाव पर मिलने की शिकायतें आ रही हैं। सूत्रों ने कहा कि विशेषकर छोटे ब्रांड वालों के मामले में ऐसी शिकायतें अधिक हैं कि ऐसे ब्रांड की कंपनियां जानबूझकर MRP कीमत अधिक लिखती हैं, ताकि खुदरा विक्रेता मनमाना लाभ कमाने के लिए ऐसे ब्रांड की तेल खरीद को वरीयता दे। उन्होंने कहा कि सरकार को MRP को नियंत्रित करने के कुछ उपाय करने होंगे। सूत्रों का कहना है कि यदि संभव हो तो सरकार को MRP को लेकर कानून बनाने के बारे में ध्यान देना चाहिए कि तेल उत्पादन के तमाम खर्च एवं मुनाफा जोड़कर वास्तविक लागत से MRP 10 से 15 रुपए से अधिक ना रखा जाए। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने पर ही खाद्य तेलों की महंगाई पर रोक लगाई जा सकती है। ब्यूपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।